माशाअल्लाह बहुत जज्बा है। बड़ा जज्बा है। हारूनाबाद बस भाई बस बस ये स्टेज से नारे ना मारे, बस आप भी नारे ना मारे ना। सुने हारूनाबाद आज मैं कितने सालों के बाद आया हूँ, 25 साल के बाद। ये मुझे कह रहे हैं मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, वो पीछे आवाज आ रही है मेरी, आ रही आ रही है। अभी मरियम नवाज शरीफ मुझे कह रही थी कि पता करें आवाज जा भी रही है कि नहीं। तो हारूनाबाद में ये मुझे कह रहे हैं मजर साहब, ये मेरे पीछे खड़े हैं, चौधरी गफूर साहब के बेटे हैं, मेरे पुराने साथी हैं, और अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। ये उनके बेटे हैं, मुझे कह रहे हैं कि आप 1992 में आए थे, यानी मैं भाई नीचे करे वो लोग आपको लोग पसंद नहीं कर रहे, क्या कहते हैं आवाज नहीं आ रही अभी, नहीं आवाज आ रही है भाई। बड़ा जोश और जज्बा है हारूनाबाद वालों, आपको मेरा दिल चाहता कि पेश की मुबारकबाद दे दूं। ये हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, ये चौधरी नूर तनवीर मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, और मुझे खुशी है कि भाई आपको कहा आप नारे ना मारे फिर मारे नारे, मना करो बचा लो ये मुल्क बचा लो, जब काम का वक्त कराया दिल में एक नाम तेरा आया, जब काम का वक्त कराया दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया, आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो अल्लाह। तो अलमदाद भी और एहसान बाजवा भी ये मेरे साथी हैं, यहाँ से दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे साथ। तुम इससे हार गए, सबको कामयाब करवाना है। आज बहुत सालों के बाद मैं आपके आमने सामने खड़ा हूँ चौधरी साहब, अगर ये बम शम बंद करा दे तो अच्छा है, ये बंद कर दे, ये आपके लिए थी टाइमिंग उसकी गलत हो भाई, ये काम बाद में होना चाहिए, ये बम बाद में चलाएं अभी बंद कर दें। ये अगर ये चलती रहेगी तो आवाज
पास तकरीर कैसे होगी? ये 3 मिनट का ऑटो था वो अभी खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। वो उस वक्त था टाइम को बेहतर, आपने आना था, उसे कहा था उस वक्त करो। अब सुने भाई, बोलना नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि हरुणाबाद पिछले तमाम सबका जलसों का रिकॉर्ड तोड़ जाएगा। हरुणाबाद ये जज्बा जो है, ये जज्बा तो मुझे अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की खुश नसीबी का एक नक्शा पर दिखा रहा है। और उस तब्दीली ने पाकिस्तान का क्या हशर किया कि आज 25 रुपए में रोटी मिलती है एक, और नवाज शरीफ के दौर में 25 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, 5 रोटियां। और गैस सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, आज तो बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए हैं। ये तब्दीली ने अवाम के साथ ये सलूक किया है, ये हशर किया है इस मुल्क के साथ इस तब्दीली ने कि रोटी 25 रुपए की, 20 रुपए की रोटी आज यहां, मैं कह रहा कि 20 रुपए की नान 25 रुपए का है, मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं बोलो। और नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की, सस्ती बिजली लेकर आया, इन्होंने बिजली के बिल महंगे कर दिए, और जिसका 1,000 रुपया बिजली का बिल आता था नवाज शरीफ के दौर में, आज उसका बिजली का बिल 20,000 रुपया आता है। कहां याद आता है नवाज शरीफ आपको या नहीं आता? आता है तो यार बताओ, नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? इसलिए तो आज नवाज शरीफ सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा है, और आप नवाज शरीफ आए तो आपने नारे मारे हैं। मेरा 5 किलो खून बढ़ गया है आपके नारे सुन के। चीनी 35 रुपए किलो थी या नहीं थी बोलो, और आज कितने की है? आज 150 रुपए किलो है, 150। कहां 35 रुपए और कहां 150 रुपया। और पेट्रोल हमारे जमाने में 60 रुपए लीटर था, 60 रुपए लीटर। मोटरसाइकिल वालों, कार वालों, ट्रक वालों, बस वालों, नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, और आज कितने का है? आज कितने का है? 250 का है या नहीं है? और किसानों, मेरे भाइयों, किसान मेरे बड़े बहुत अजीज भाई हैं, किसानों को पूछो नवाज शरीफ के दौर में ट्रैक्टर कितने का था? ट्रैक्टर 8 लाख रुपए का। कितने का? 8 लाख रुपए का। और आज कितने का बोलो? आज 38 लाख रुपए का है, यानी 40 लाख रुपए का है। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता बोलो? नहीं आता? जिनको आता है हाथ खड़ा करो, जिनको नहीं आता वो हाथ खड़ा करो, जिनको नवाज शरीफ नहीं याद आता हाथ खड़ा कर दो, कर दो। जिनको याद आता है एक दफा फिर हाथ खड़ा करो। सानू मिया उत्ते नाज, मिया दे नारे बजड़े भी बजड़े ने, तुम्हारा रामोश कराया था, तकबीर का नारा लगाया था, वो नाम तेरा। मेरे भाई किसानों, आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का भाव कितना था। यूरिया
यूरिया नवाज शरीफ के जमाने में 1300 रुपए था, 1300, और आज कितने का है यूरिया बोलो? आज 5000 रुपए का है। और डीएपी नवाज शरीफ के जमाने में 2500 रुपए थी, 2500, और आज कितने का है? 13000 रुपया। नवाज शरीफ याद आता है ये नहीं आता? किसानों बोलो, नवाज शरीफ याद आता है ये नहीं आता? डॉलर 104 रुपए का था, और आज कितने का है? चौधरी साहब बोलो, अलमदाद बोलो, भाई मदर बोलो, 280 रुपए का डॉलर। नवाज शरीफ याद आता है ये नहीं आता? और बताओ मुझे, दवाइयां सस्ती थी, दवाइयां इंतहाई सस्ती थी, आज इलाज के लिए पैसे नहीं होते, आज इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं है। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता बोलो? नवाज शरीफ के जमाने में मुफ्त इलाज होता था, मुफ्त दवाइयां मिलती थी, शहबाज शरीफ के दौर में मुफ्त दवाइयां मिलती थी। और फिर आज बच्चों के पास कपड़े नहीं है, स्कूल भेजने के लिए फीस नहीं है, और हम तो आईएमएफ को खुदा हाफिज कह दिया था, हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा था। इमरान खान के दौर में फिर ये लोग कशकोल लेके मांगने के लिए निकल गए थे, मांगते फिरते थे दूसरे मुल्कों से। हमने तो आईएमएफ को कहा था खुदा हाफिज, जाओ छोड़ो पाकिस्तान को, जाओ। वो चले गए, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो गया, इन्होंने पाकिस्तान को फिर भीख मांगने पे लगा दिया। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्मे जलाते हैं, उनकी बेहुर्मती करते हैं। किसने बनाया था पाकिस्तान को एटमी कुव्वत? किसने बनाया? अल्लाह के फजलो करम से नवाज शरीफ ने बनाया। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? फिर मुझे आपने क्यों जेलों में जाने दिया, क्यों भेजा जेल में? जवाब दो जरा मुझे, क्यों जेल में मुझे डाला गया, क्यों? और जिन जजों ने मुझे जेल में डाला, आज वही चुप करके इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। जो मेरे ऊपर मॉनिटरिंग जज लगे थे, आज घर जा रहे हैं इस्तीफा दे के। इसलिए जा रहे हैं, उनको पता है कि हमने बड़े बुरे करतूत किए हुए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, दाल में काला है, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। नवाज शरीफ को तो अकामे पे सजा दे दी, तमाशा बना दिया, और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेल डाल दिया, और सारी जिंदगी के लिए आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ देखें, आज फिर अल्लाह के फजल करम से आपके सामने खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका आरिफ लोहार, और आज शाम 5 बजे है फख्र हमारा अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो। भाई हम पर तो बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े जबर हुए, और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेलों में भेज दिया गया, वजारत उज़्मा से हटा दिया गया, और एक बार नहीं तीन तीन मर्तबा मुझे हटाया के अवाम को, मुझे हाथ ला रहे हैं आप मुझे हाथ ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आई लव यू कह रहे हैं, आई लव यू टू। भाई हमें तो तमाशा बना दिया गया, और ऐसे ऐसे नुकसान हुए हमारे के कोई तलाफी नहीं है उसकी। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा के जनाजे को मैं कब्र में नहीं उतार सका। मेरी कुलसूम फौत होती है तो मुझे जेल में इतला मिलती है,
इसकी मां फौत होती है तो उसको जेल में इतना मिलती है जेल में, और सारा कुछ जो है वो हमारा जो नुकसान हुआ उस सारा जो गम दुख में सह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी रात फाश नहीं किया, खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स, ये पाकिस्तान जैसे इसको इक्तदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान पे हमला किया, नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका, और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दाव पे लगा दिया। मैं आपस में गुफ्तगू ना करें, एक तो मैंने आपको ये कहना था कि नवाज शरीफ ने कभी कौमी सलामती को दाव पे नहीं लगाया, इन्होंने लगाया है। और दूसरा ये कि आज खबर आई है, आपने सुनी होगी कि इमरान खान का जो दौर था दुनिया की इंटरनेशनल, वो जो क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था, ये उन्होंने कहा है। भाई आओ साकिब निजार बताओ, तुमने तो इसको दिया था सर्टिफिकेट उसका, ईमानदार आदमी का, सादिक रमीन का सर्टिफिकेट तुमने दिया था और इन जज ने दिया था, इस्तीफा दे के घर चले गए। कौम को बताओ कि दुनिया उसके बारे में ये राय रखती है, आपने कैसे उसको सादिक रमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया, ये बड़ा जुल्म किया आपने। नवाज शरीफ के जमाने में पाकिस्तान करप्शन के हवाले से घट रहा था और 22-23 पॉइंट नीचे आया था, और इनके दौर में पाकिस्तान फिर ऊपर चला गया, और हम तो अरबों खरबों से ये मोटरवेज भी बना रहे थे, अरबों खरबों से बिजली के मंसूबे भी बना रहे थे, सी पैक भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लोग खुशहाल थे, लोगों को रोजगार मिलता था। और मैं आपको बता दूं, सुन लो मेरी बात कान खोल के, मैं सच कह रहा हूं, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत रहती अल्लाह ताला के फजल करम से आज भी होती, आज इस जलसे में कोई भी हरुणाबाद का भावर नगर का शख्स बेरोजगार, सबके पास एक रोजगार होता, सबके पास कारोबार होता, तजारत होती और लोग खुशहाल होते, बच्चे स्कूल जा रहे होते, उनके जिस्म पे खूबसूरत कपड़े होते, वालिद वालदा को फीस देने की कोई तकलीफ ना होती, घर में रोटी पकती होती और लोग खुशहाल होते। ये पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से खुशहाली आती, घर घर में आती। मुझे दुख इस बात का है कि मुझे तो तकलीफ पहुंची, मुझे बहुत दुखों से गुजारा गया, तकलीफों से गुजारा गया, लेकिन उसका कोई मुझे अफसोस नहीं है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आप लोगों को तकलीफ पहुंची, आप लोगों के घर के चूल्हे बुझ गए, आप लोगों की महंगाई ने कमर तोड़ दी, सिर्फ इस बात का दुख है। नवाज शरीफ झूठ नहीं बोलता, मुनाफ़त नहीं करता, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका दुख है। मरियम ने भी तकरीर करनी है, अभी मरियम, मेरे बाद मरियम तकरीर करेंगी, लेकिन मैं कुछ आपके इलाके के मामले को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ कच्ची आबादियाँ हैं, उनको भाई मालिकाना हकूक देना तो नवाज शरीफ के लिए वैसे ही लाजिम है। हकूक समझो, हुकूमत आई तो मिल गए हकूक सबको, इंशाल्लाह देंगे सबको। और हाकड़ा कमान के जो इर्द गिर्द सेम तौर के
नालों की जो नकासी का जो मंसूबा है उसको मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से 8 फरवरी के बाद फौरन मंजूर करूंगा इंशाल्लाह। और मोटरवे जिसका ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने किया था, शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया था, उस इफ्तिताह की लाज रखते हुए लाहौर से भावल नगर तक इंशाल्लाह मोटरवे बनाई जाएगी। इंशाल्लाह हाईवे की शक्ल में भावल नगर से मरोट, यजमान अहमदपुर से होता है उसको इंशाल्लाह कराची तक मिलाया जाएगा इंशाल्लाह। और कराची तक से पहले ही मिला देती है यार, इन्होंने पता है फिर कही जा रहे हैं कराची तक, तो वहां पे सकर तक तो मोटरवे बन गई हुई है। ये तो इनसे पूछें जो 4 साल हुक्मरान रहे हैं, सकर से कराची तक मोटरवे नहीं बना सके। और नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से पेशावर से लेकर सक्कर तक मोटरवे ले आया, आगे नहीं इनसे बनी, इनसे कुछ भी नहीं बना यार, कुछ भी नहीं बने आना कोलो। एक मंसूबा थे दसो ए खिलाफ लड़न वाले हो, मैं नहीं पता ना दा, मैं पता मैं लेना नहीं ना होता इतने। इन्हें सारे दे मुकाबले जो है ने लोग उनसे पूछे भाई आपने एक ईंट भी रखी है किसी चीज की, बोलो यार कोई नहीं, वो रखी है एक ईंट भी हाथ खड़ा करके बताओ। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अगर मैं सच कहता हूं तो हाथ खड़ा करके बताओ, सच कहता हूं किसी चीज की कोई बुनियाद नहीं रखी, उल्टा बुनियादें खोखली करके चले गए। ये मोटरवे देखें, हर मोटरवे पे अल्लाह के फजल व करम से मुस्लिम लीग का निशान बना हुआ है। नवाज शरीफ की अब इफ्तिताह है, बिजली देखें, जो लोड शेडिंग खत्म हुई तो नवाज शरीफ की उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, उसका निशान है। और पाकिस्तान के अंदर तरक्की के जितने भी मंसूबे हैं नवाज शरीफ के अल्लाह के फजल व करम से निशान है उसके ऊपर। अमन अमान मुल्क में कायम किया, कराची तक जाके अमन व अमान कायम किया, यहाँ पे दहशत गर्दी का खात्मा हमने किया। और भाई कौन सा काम है जो हमने नहीं किया, बोलो सब किया है। और बाकियों ने क्या किया है, ए बाकी लोगों ने की कीता है दसो मैनू, नहीं मैं थोड़े को पूछ के जाना, मैं पूछे बगैर नहीं जाना है। तो बाकी लोगों ने की कीता बोलो, तानू तोखा देता है तब्दीली दा गलत नारा लगाया है, ते तुसी आइंदा किसे तब्दीली शब्दीली दे चक्कर च ना आना। जो असी कह रहे हैं अल्लाह दे फजलो करम नाल सिक्के बंद है, हम इंशाल्लाह उस पे अमल करके दिखाया है और आइंदा भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला भाई आपको खुशो खुर्म रखे। हरुणाबाद वालों मेरी बड़ी दुआएं आपके लिए हैं, वो गेट से बाहर भी इतने लोग खड़े हैं, अंदर ही आ जाना सी, तुसी बारों बार सन देख रहे हो। अल्लाह ताला आपको हरुणाबाद को, चिश्तियां को, बावल नगर को खैर व बरकत दे, खुश रखे, आपके बच्चों को खुश रखे। और फोटाबास, मैं फोटाबास भी जाना है, मैं उसको भी गए हुए 40 साल हो गए हैं। अरशद लीडर बह गया, अरशद लीडर साहब बैठ जाओ, खलोन की गुंजाइश नहीं थोड़े को, बह जाओ। मेरे अंदर भी बड़ा जोश आ गया है, मेरे साथ आज नारा लगाओ, नारा पाकिस्तान आओ, मरियम आओ। मिटा देगा फिर से जुल्म।
I've been saying.